नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टेलीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो सुहागन की, जहां की कहानी में ना एक बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आने वाला है। ऐसा लग रहा है कोयल ने अपने लिए गड्ढा खुद खोद लिया है। ऐसे में स्वरा पर जानलेवा हमला करना कोयल पर भरने वाला है बहुत ही ज़्यादा भारी, क्योंकि अब स्वरा कोयल से इसका बदला लेकर ही रहेगी, क्योंकि ये उसकी जान और उसकी सुहाग दोनों का सवाल था। ऐसे में अब स्वरा ने ठान लिया है कि वो कोयल को इसके लिए सबक सिखा कर ही मानेगी। इसी बीच आप देखने वाले हैं कि किस तरह से स्वरा अब कोयल पर इल्ज़ाम लगाने वाली है कि इन्होंने ही मुझे जान से मारने की कोशिश की है, और ऐसे में वो करने वाली है कोयल के ऊपर पुलिस केस, और पुलिस की कार्रवाई के बाद कोयल को सिखाने वाली है बड़ा सबक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर घर वालों के सामने सबसे पहले वो कोयल पर लगाएगी इल्ज़ाम, और उसके बाद कोयल को करवा देगी पुलिस के हवाले, और इसके बाद यहाँ पर जो कोयल है ना वो सबके सामने ये कहती नज़र आएगी कि उसने कुछ नहीं किया है। और इस बीच वेदांत जो है ना वो स्वरा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता नज़र आएगा और कहता नज़र आएगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम हमारी माँ को जेल नहीं भेज सकती हो, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती है, जरूर ये सब तुम्हारी ही कोई चाल है मेरी माँ से बदला लेने की। तो ये सारी बात जो है ना यहाँ पर वेदांत स्वरा से कहता है, लेकिन तभी स्वरा कहती है कि वेदांत जी, हम अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम पर जानलेवा हमला हुआ है, आज हमारी जान जाते जाते बची है, और सिर्फ हमारी ही नहीं हमारे सुहाग यानी आप ही भी जान जाते जाते बची है, इसलिए मैं इन्हें माफ नहीं कर सकती हूँ, इन्हें तो इनके कर्मों की सजा आज मैं देकर ही रहूंगी। तो गाइज यहाँ पर कोयल ना अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी है, अब कैसे होगा बड़ा चमत्कार और कोयल बचेगी जेल जाने से, देखेंगे आगे आने वाले ट्रैक में।